Hey guys, good morning from Indore and welcome to the channel. तो सुबह के 8 बज रहे हैं और हमने शुरुआत दिन की है विद चाय की चुस्की। तो अभी चाय पीते हैं और आज का ये प्रोग्राम है कि अभी बस लोकल करने वाले और आफ्टरनून के बाद हम जाएंगे उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो चलो फिर चाय पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस हम अभी निकल रहे हैं इंदौर एक्सप्लोर करने के लिए। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9 और अभी हम जा रहे हैं। ओमकार का एक फ्रेंड है जो हमको यहाँ पे जॉइन होने वाला है, ही इज़ फ्रॉम इंदौर, तो उसी को लेके हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बोलो गणपति अप्पा मौर्या मंगल मूर्ति मौर्या, बोलो अम्बे माते की जय। तो ये जो रोड है जहाँ पे हमारा होटल है, दैट इज कॉल्ड एज द एयरपोर्ट रोड। काफ़ी चौड़ी सड़क है, मतलब शहर के बीचों बीच से गुजरती है। चलो फिर मिलते हैं आगे और बताते हैं इंदौर में क्या क्या है देखने लायक, खाने लायक। सो गाइस अभी हम यहाँ पे आए थे। ओमकार का फ्रेंड है और उसकी दीदी यहाँ पे रहती है, तो मैंने तभी शूट नहीं किया क्योंकि किसी के घर का शूट करना बराबर नहीं है। बहुत अच्छे लोग थे, यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हुआ, अच्छी खासी बातें की, वेरी गुड पीपल। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से अभी प्लान, मतलब जो साथ में जो ओमकार का फ्रेंड है वो सामने आपको जो दिख रहा है ओमकार के साथ, वो ओमकार का फ्रेंड है जो यहीं से है, तो वो हमको अभी घुमाएगा। सो गाइस मैंने अभी चेक करा था कि एवरेज क्या दे रही है गाड़ी, तो विच इज़ 31.8। जैसे मैंने कल कहा था कि पता नहीं गाड़ी जैसे चाहिए वैसे भाग नहीं रही, मतलब 100 टच कैसे कैसे करती है और उसके बाद मतलब आगे जाती ही नहीं है। मतलब मैंने तो 115-120 तक मैं लेके गया हूँ। पता नहीं ये जब मैंने आपको मालूम है जैसे मैंने स्पॉकेट चेंज किया था, तो ये स्पॉकेट की वजह से हो रहा है कि क्यों हो रहा है। चलो देखते हैं, एक दो दिन और चलाएँगे और एक बार स्पॉकेट चेंज करके, मतलब जो ओरिजिनल पॉकेट है वो डाल के देखेंगे कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या। अभी पेट्रोल भी डालते हैं क्योंकि अभी दो डंडियाँ दिखा रहे हैं, वैसे थोड़ा चल जाएगा लेकिन टू बी ऑन अ सेफर साइड पेट्रोल फुल करते हैं। अननेसेसरी कहीं पर बार बार रुकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार इसका काम तमाम करते हैं। हम पहुँच चुके हैं बड़ा गणपति, ये काफ़ी फेमस है श्री बड़ा गणपति मंदिर इंदौर। प्रभु चलो मंदिर के सामने ही पार्किंग कर दी है। आइडियली तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा था लेकिन ओमकार के दोस्त ने बोला इधर लगा दो, टेंशन नहीं कोई, तो हमने लगा दी गाड़ी और अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन लेने के लिए गणेश जी के। दिन की शुरुआत गणेश जी के दर्शन से करो। गाइस ये बड़े गणेश जी, इनको बड़ा गणपति जी बोलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मूर्ति कितनी भव्य है, बहुत बड़ी मूर्ति है। तो चलो अभी गणेश जी के दर्शन ने हमने कर लिए और अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको मिलते हैं अगले लोकेशन। सो गाइस दिन की शुरुआत गणेश जी के दर्शन के साथ हमने की है और अभी हम यहाँ से निकल गणेश जी के दर्शन करके जा रहे हैं कांच महल। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ओमकार का जो फ्रेंड है वो साथ में है, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी हो रही है। थोड़ा गूगल भी यूज़ कर रहे हैं बट मोर ऑर लेस लोकल नॉलेज जो है वो काम में आ रहा है। तभी यहाँ से कांच महल जाएंगे और आपको दिखाते हैं फिर वहाँ पे कैसा है ये कांच महल एग्जैक्टली। सो गाइस पहुँच चुके हैं कांच महल। ये एंट्री कहाँ से है पता नहीं, इस पे लिखा है शीश महल, देखिए आप एक बोर्ड पे। तो गाड़ी यहाँ से पार्क करते हैं और फिर देखते हैं कांच महल कैसे है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं कांच महल, इसे कांच मंदिर भी कहा जाता है, आप देख सकते हो पीछे और यहाँ से इसकी एंट्री है। तो अभी हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं।
अभी हम कांच मंदिर से बाहर निकल चुके हैं, कांच मंदिर बोलो या कांच महल भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये जैन मंदिर है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी अगला लोकेशन रहेगा, अगला लोकेशन क्या रहेगा, तो वैष्णो धाम टेम्पल है, तो मतलब वैष्णो माता का मंदिर है ये। तो अभी चलो अभी माता के दर्शन भी कर लेते हैं। तो गणेश जी के दर्शन हो गए, महावीर जी के दर्शन हो गए भगवान महावीर से, और अभी जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। सो गाइस, पास में ही 3 किलोमीटर पे कांच मंदिर से ये है माता वैष्णो देवी मंदिर। साधु ओके, यहाँ पे सिंधी कम्युनिटी लग रही है मुझे ज्यादा। पार्क ओके, सामने दिख रहा है ये वैष्णो देवी मंदिर, और सिंधी कम्युनिटी को पहचानने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैं खुद पैदा बड़ा सिंधी कॉलोनी में हुआ, तो वो फील आ जाती है वो कम्युनिटी की मुझे। ओके, शायद से यहाँ पे ये गुफा बनाया है जैसे अर्धकुंवारी की गुफा माँ वैष्णो देवी मंदिर जाते समय वैसी गुफा बनाई है, और भवन की भी जो भवन में भी गुफा है ऊपर। बहुत जल्दी हम वैष्णो देवी जाएंगे और वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर पहले जाता था, इनफैक्ट कोविड के एक महीने पहले भी मैं माता के दर्शन करके आया हूँ। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो गाइस, अभी ऋषिकेश भाई ने बताया कि जब भी इंदौर में मैच होती है क्रिकेट मैच, तो सारे क्रिकेटर्स ये खजराना मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आते हैं, तो कुछ विशेषता होगी उसकी भी। तो चलो हम भी जाते हैं, हम भी दर्शन करते हैं। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे रुके थे फॉर वॉशरूम ब्रेक। एक मैंने नोटिस किया, मतलब इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट यूरिनल विच हैव कम अक्रॉस द म्यूनसिपल यूरिनल। सुपर क्लीन है, बहुत साफ सुथरे है, मतलब आपको फील ही नहीं आएगा दैट यू हैव एंटर्ड अ यूरिनल, विच इज़ अ गुड थिंग। इंदौर रहेगा नंबर वन, जैसे इफ यू आर अवेयर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला था इंदौर को, तो शायद से यही एक इनिशिएटिव है जिसकी वजह से ये इतने साफ सुथरे हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे ये बाइक्स की पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है, लिफ्ट से ये बाइक्स को ऊपर लेके जाया जाता है। अच्छी अच्छी चीज़ है, मतलब छोटी सी जगह पे एक 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क होती है। ओके, यहाँ पे एक ब्रिज भी है हैंगिंग, और ये घाट भी बना है। पानी लेकिन साफ सुथरा नहीं है, काफ़ी गंदा है, तो बारिश में शायद से जब भी पानी का फ्लो अच्छा खासा रहेगा तभी ये साफ सुथरा पानी रहेगा यहाँ पे। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं, ये मोबाइल मार्केट है, यहाँ पे मोबाइल एक्सेसरीज, लॉगिंग एक्सेसरीज, बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है। तो ऋषिकेश भाई का फ्रेंड का दुकान है यहाँ पे, तो ओमकार
आपको कुछ कवर्स लेने हैं मोबाइल के लिए, तो बोलते हैं यहाँ पे सस्ता मिलेगा। तो चलो ठीक है, 10-15 मिनट यहाँ पे भी निकालेंगे, फिर आगे निकलते हैं। सो गाइस, जो सामने जो गेट दिख रहा है ये खजराना गणेश मंदिर का द्वार है, गेट है, तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे। मतलब एग्जैक्टली मंदिर का गेट नहीं है ये, खजराना का गेट है, लेकिन इसी तरफ मंदिर है। सो गाइस हम ये पार्किंग में एंटर कर चुके हैं, आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा इनका कैंपस है ये, और यहाँ पे पार्किंग की सुविधा भी है। मतलब आप गाड़ी लेके आ सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह है, विच इज़ फ्री, देयर इज़ नो चार्जेस फॉर इट। और यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ लगी है तो बहुत भीड़ भी होगी। तो दिस इज़ द पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग है इनकी, और ये सामने इन यहाँ से एंट्री है। सो गाइस, यहाँ से ये एंट्री है, हम अभी अंदर जा रहे हैं। आप देख सकते हो दोनों तरफ पूजा की सामग्री, मिठाई, लड्डू, प्रसाद को जो लगता है वो दुकानें हैं। सो गाइस, हमारे गणेश जी के दर्शन हो गए खजराना के, हमने मुख दर्शन लिया, लाइन में काफ़ी भीड़ थी तो इसके लिए हमने मुख दर्शन लिया, और आपने देखी मूर्ति कितनी खूबसूरत और भव्य है। तो चलो अभी यहाँ से अभी अपने अगले लोकेशन। सो गाइस, अभी हम मंदिर के बाहर थे और हमें हमारा एक सब्सक्राइबर मिला है, क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन क्या? अर्जुन गुप्ता, ये इंदौर से, ये भी मंदिर आए थे और मुझे पूछा कि अरे मोटो लाइफ स्टाइल आप ही का चैनल है? बोला हाँ मेरा ही है, तो बोला मैं आपके वीडियो देखता हूँ, तो थैंक यू वेरी मच अर्जुन। सो गाइस, जैसे आपने देखा ये छोटा सा बच्चा आया था, बोल रहा था मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मुझे पूछा उसने, मोटो लाइफ स्टाइल आप ही का चैनल है। तो पिछली बार मुझे कच्छ में जब हम घूम रहे थे तो नारायण सरोवर जो लास्ट विलेज है ऑन द वेस्ट साइड, वहाँ पे एक मुझे सब्सक्राइबर मिला था, और तभी भी हम दर्शन करके बाहर निकले थे, जूते पहन रहे थे, अभी भी सेम हो गया, हम लोग दर्शन करके बाहर आए जूते पहन रहे थे, तो ये इस लड़के ने मुझे अप्रोच किया। गुड यार, जो भी कुछ कम है सब्सक्राइबर्स लेकिन फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, नेक्स्ट स्पॉट वुड बी 56 रोग, जहाँ पे जो 56 दुकानें हैं वहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे अभी लंच करेंगे या तो फिर कुछ स्नैक्स वगैरह कर लेंगे हल्का फुल्का। सो गाइस, अभी हम पेट्रोल फुल कर रहे हैं, मतलब जब से निकले हैं घर से ये थर्ड टाइम मैं टैंक फुल कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही डंडी बची है अभी,
और एक मैंने देखा है इस पंप पे, आप देख रहे हो जो मीटर रीडिंग है वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है, मतलब जस्ट इन केस अगर आगे जाके उसको वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। मतलब मुझे नहीं लगता ये HP ने लिया रहेगा, ये पंप के ओनर है उन्होंने किया रहेगा, गुड थिंग। मैं तो कहता हूँ सारे जितने भी पंप है इन्होंने भी यही करना चाहिए, दो चीज़ें होगी, या तो एक तो मतलब इनके खुद के स्टाफ पे इनका कंट्रोल रहेगा और कुछ गलत काम नहीं होगा यहाँ पे। सो गाइस आप देख रहे हो ये डेडिकेटेड लेन है फॉर बस राइट साइड में, मतलब ये रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसा होता है ना, ये वैसे ही कुछ है जो इंदौर में है मैंने सुना था, लेकिन अभी हम कल से घूम रहे हैं, ऐसे कोई रोड पे नहीं है जहाँ पे ये था, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं और ये दिख रहा है दो लेन से, एक आने के लिए एक जाने के लिए फॉर द बसेस। अच्छी चीज़ है ये रैपिड सिस्टम हर सिटी में होना चाहिए, उससे क्या होएगा कि लोग है ना दे विल रिलाई ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर, बिकॉज उसका कनेक्टिविटी अच्छा रहेगा, कन्फर्म आप टाइम पे पहुँचोगे, और ज़्यादा जब लोग यूज़ करेंगे रैपिड सिस्टम तो रोड का ये ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, जिसमें पोल्यूशन कम हो जाएगा, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा और कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो जाएगा। तो चलो फिर उम्मीद करते हैं कि ऐसे कुछ हो जाए, और जैसे कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सिर्फ ये बोलने से नहीं होता है, उसके लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है। तो अभी यहां से हम लेंगे राइट, और बहुत भूख लगी है, कुछ खाएंगे, छप्पन रोड जा रहे हैं। A few moments later. So guys, हम आ चुके हैं छप्पन भूख, पार्किंग की भी जगह है यहाँ पे अच्छी खासी, लेकिन लोग इतने आते हैं कि पार्किंग भी ऑलमोस्ट फुली नज़र आ रही है। तो चलो अभी काशी का तो पेट भर चुका है, अभी हम हमारा पेट भरते हैं। अभी हमने टिक्का, पनीर टिक्का चटपटा खाया, मज़ा आ गया, मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी था। सो गाइस बेसिकली छप्पन भोग मतलब 56 दुकान है, इसके लिए यहाँ पे इसका नाम छप्पन भोग रखा है। इसके अलावा आप देख सकते हो ये सामने ये बिल्डिंग है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे शॉप्स है। सो इफ यू आर यू गेट लॉट ऑफ वराइटीज, मतलब जो चाहिए वो आपको मिलेगा, आपके लायक कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। स्वीट्स है, नमकीन है, डोसा है, दाबेली है, पाव भाजी है, इसके अलावा टिक्का है, देन यू ऑल्सो हैव मोमोज, कुल्फी, पानीपुरी एंड अ लॉट मोर। सो गाइस अभी हम यहाँ पे छप्पन भोग का एक भोग का स्वाद ले रहे थे, तभी ये सर मिले हमें, और ये है वसई से और हमें थाने से, विच कम्स इन थाने डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी यहाँ पे घूमने आए हैं, तो हमें पूछने लगे कि ये क्या है एग्जैक्टली, क्या इक्विपमेंट लगा है, तो हमने बताया ये कैमरा है, ये इंटरकॉम है जिससे हम कनेक्टेड रहते हैं, तो वो भी हैरान थे कि हम इतनी दूर बाइक से आए हैं, तो भाई राइडर है, ट्रैवलर है, कोई ना कोई साधन से कहीं ना कहीं हम पहुँच ही जाते हैं। तो चलो सर, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। गाइस अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं बास्केट चाट, आपने अभी जो देखा ये कैसे बनाते हैं, तो दिखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है।
गाइस अभी हम खाने वाले हैं ये बास्केट चाट। सो गाइस छप्पन भोग का स्वाद लेके अब अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और बताते हैं आपको अगला लोकेशन हमारा क्या है। ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं और हमें जाना है उज्जैन। आज उज्जैन में भोले बाबा के महाकाल के दर्शन भी लेने हैं। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं छप्पन भोग से, अभी जा रहे हैं रूम पे, चेंज करेंगे एज एन राइडिंग वेयर पहनेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं आगे।